कबीर दर्शन तीसरे अध्याय का 32वां और अंतिम संदर्भ मोक्ष। मोक्ष का अर्थ है छुटकारा, दुखों से छुटकारा, बंधनों की निवृत्ति, स्वतंत्रता। मोक्ष का अर्थ है जैसा अपना चेतन स्वरूप है वैसे का वैसा ही रह जाना। अभी हम मिले हुए हैं दुनिया में मन द्वारा, मोह बनाकर, लोभ बनाकर, आसक्ति बनाकर, आदत बनाकर, बैर बनाकर, द्वेष बनाकर, ईर्ष्या बनाकर, कोई हो विकार मन का। विकार हमारी प्रतंत्रता के, हमारे दुख के, हमारे बंधन के कारण हैं। पूर्ण विकार रहित हो जाना ये मोक्ष है, अपने आप रह जाना। तो मोक्ष का सीधा अर्थ है छुटकारा, दुखों से सदा के लिए छुटकारा। मोक्ष के दो रूप माने जाते हैं, दो भेद कहना चाहिए। एक जीवन मुक्ति और एक विदेह मुक्ति। जीते जी मोक्ष, दूसरा है मरने के बाद मोक्ष। जो जीते जी मुक्त होगा वही मरने पर मुक्त होगा। जो जीते जी बंधन में रहेगा वो मरने के बाद बंधन में रहेगा। मरने के बाद जीव मुक्त हो जाता है इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती, ये अनुभव का विषय नहीं है। जीव का जैसा स्वरूप है शुद्ध बुद्ध असंग निर्विकार, उसके आधार पर ही विदेह मोक्ष का अनुमान किया जाता है। अनुभव नहीं होगा, अनुभव के लिए मन चाहिए, इंद्रियां चाहिए। विदेह मोक्ष में न शरीर है न मन है इंद्रियां, वहाँ अनुभव कैसे होगा? वहाँ तो केवल शुद्ध चेतन सत्ता मात्र का रह जाना होता है बस। हमको विदेह मोक्ष के लिए काम नहीं करना है, जीवन मोक्ष के लिए, जीते जी मुक्ति के लिए काम करना है। और हर मनुष्य स्त्री पुरुष इसके लिए स्वतंत्र है, जो चाहे वो कर सकता है। इसमें न गृहस्थ का भेद है न विरक्त का भेद है, न स्त्री का भेद है न पुरुष का भेद है। कहते हैं कि मोक्ष पाने के लिए साधु होना जरूरी है, लेकिन शरीर का साधु होना नहीं, मन का साधु होना। शरीर से कोई बाहर से कोई साधु का कपड़ा पहन लिए तो इतने मात्र से मुक्त नहीं हो जाएगा। जब उसके लिए वैसा काम करेगा तो वो मुक्त होगा। कोई गृहस्थी में रहता है, कुर्ता पजामा में, धोती कमीज में रहता है, वो पूरा काम करता है तो वो मुक्त हो जाएगा। विशेष बंधन मन का है, गृहस्थी में अनेक जाल जंजाल हैं निश्चित, लेकिन कोई ठान ले मुझे वहीं रह कर करना है तो कर सकता है। और साधु वेश में आकर के कोई अपना काम न करे तो कोई नहीं काम करे, वो मुक्त थोड़े हो जाएगा। मन से विरक्ति चाहिए, पहले अपने स्वरूप का सही बोध,
जैसा अपना स्वरूप है शुद्ध बुद्ध वैसा। अब पहले तो जड़ और चेतन का सही बोध कि मैं चेतन हूँ और जड़ तत्वों से सर्वथा पृथक, कारण कार्य व्यवस्था से रहित, अंश अंति व्यापक व्याप्य भाव से रहित, शुद्ध निराधार असंग चेतन हूँ, यह दृढ़ निश्चय और बोध। फिर इसके पश्चात सारी विषय शक्ति का पूर्णतया त्याग, शुद्ध वैराग, अपने स्वरूप का दृढ़ निश्चय है, शुद्ध बोध है, विषयों से पूर्ण वैराग्य है, आत्म मन अंतर्मुख तृप्त संतुष्ट, ये जीते जी मोक्ष पा जाना है, जीवन मुक्ति है। इस अवस्था में मन में किसी भी प्रकार का कोई विकार रह नहीं जाता है। निश्चित है काम कठिन है, इसलिए कि आदत बिगड़ी है, समय लगेगा, लेकिन जो चाहेगा वो कर लेगा। लगन, उत्साह, परिश्रम जिसके पास हो वह अपने आप को मन के विकारों से सर्वथा मुक्त कर सकता है, जो जिसमें लग जाएगा। लगन, उत्साह और इसे साधना, तो कोई ऐसा भी हो सकता है 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल से साधु वेश में है, लगन उत्साह परिश्रम नहीं है, तो वो विकारों से मुक्त नहीं हो सकता। और कोई 5-7 साल हुआ है, 2-3 साल भी है, लेकिन दृढ़ लगन है, उत्साह है, तो जल्दी विकार से मुक्त हो जाएगा। इसमें कौन पहले आया साधु मार्ग में, कौन बाद में आया है, ये मूल्य नहीं है। कौन कितनी तेजी से लगता है, कितनी दृढ़ता से लगता है, इसका मूल्य होता है। ऐसा भी हो सकता है किसी में बुद्धि है, प्रतिभा है, योग्यता है, व्यवहार की कला है, काम कराने का धराने की क्षमता है, उसको योग्य समझ कर के लिए समझ कर आश्रम जिम्मेदार दे दिए, गुरु बना दिए, मुक्त महंत बना दिए, तो हो सकता है जो आश्रम का गुरु है वो मुक्त ना हो, उसके चेला मुक्त हो जाए, यदि अपने मन के विकार को छोड़ दिया तो। इसमें गुरु शिष्य का भी भेद नहीं है, शिष्य में दृढ़ लगन है, उत्साह है, समर्पण भावना, साधना है, तो वो मुक्त हो जाएगा। और कोई गुरु तो बना दिया गया है, उसमें दृढ़ लगन उत्साह नहीं है, तो मुक्त नहीं हो पाएगा। ये तो किसी को गुरु बना देना, महान बना देना, कोठारी बना देना, व्यवस्थापक बना देना, संस्था है कोई अध्यक्ष मंत्री बना देना, ये व्यवहार के लिए है, इससे मुक्ति और गति से कोई मतलब नहीं होता है। जिसके पास भी स्वरूप का सही बोध है और जो समर्पण भाव लग करके सारी विषय शक्ति का त्याग कर दिया है वो मुक्त हो जाता है। मन में कोई विकार नहीं रहना है, अवस्था ऐसी होती है, और समर्पित होकर जो लगेगा वही हो जाएगा। विकारों का त्याग तो जरूरी है ही, साथ साथ जितने भी सद्गुण हैं, धैर्य, क्षमा, सत्य, विवेक, शील, विचार, वैराग, भक्ति या अन्य, और उन सद्गुणों का आचरण भी चाहिए, दोनों काम करना होगा। जितने जितने सद्गुणों का आचरण जीवन में होता जाएगा उतने उतने मन के विकार और दुराचरण घटते जाएंगे,
और जितने जितने मन के विकार घटते जाएंगे, दुर्गुण घटते जाएंगे, उतने उतने सद्गुणों का विकास होता जाएगा। केवल विकारों का त्याग करने से मुक्ति नहीं मिलेगी, ग्रहण भी करना पड़ेगा। तो सारे मानसिक विकारों का त्याग और जो सद्गुण हैं उनका आचरण, तब मन पूरा पूरा निर्मल होगा, चित्त की स्थिति निर्मल होगी और तब वैराग टिक पाएगा। वैराग के सहायक अंग भी तो चाहिए, तो दया, क्षमा, सत्यशील, विवेक, विचार, भक्ति, ये सब वैराग्य के सहायक अंग हैं। इनके आधार पर ही वैराग्य टिकेगा। मन के विकारों का पूरी तरह से त्याग हो गया है, इसका अर्थ है बाहरी किसी प्राणी पदार्थ परिस्थिति या कहीं भी मन का आकर्षित न होना। कहीं मन आकर्षित हो रहा है, कहीं भी आकर्षित होने का मतलब है उसमें सुख मानना, आसक्ति बनाना, तो दशा ऐसी होती है यहाँ कहीं आकर्षण नहीं, कहीं आसक्ति नहीं। ऐसा जो पुरुष होता है, व्यवहार करता है, चीज़ों का प्रयोग भी बहुत मात्रा में कर लेगा, लेन देन भी होगा, नहीं अनेक लोगों से संपर्क भी होगा, लेकिन मन अनासक्त होगा। ऐसा नहीं है कि जो कम चीज़ों का प्रयोग करता है, जिसके पास चीज़ें कम हैं, जो लोगों से कम मिलते जुलते हैं, वे अनासक्त होते हैं, और जिनके पास चीज़ें बहुत ज़्यादा है, जिनको चीज़ें अधिक मिलती है, अनेक लोगों से मिलना जुलना होता है, वो आसक्त होते हैं। ऐसा ये बाहरी व्यवहार से समझा नहीं जा सकता, दोनों में हो सकते हैं। जिनके पास थोड़ी चीज़ है, कम लोग मिलते जुलते हैं, उनमें कुछ लोग पूर्ण अनासक्त भी हो सकते हैं और कुछ लोग पूरे पूरे आसक्ति में डूबे हो सकते हैं। ऐसे जो बहुत से लोगों से मिलते जुलते हैं, हजारों लाखों लोगों से जिनका व्यवहार है, जिनको चीज़ें बहुत अधिक मात्रा में मिलती है, बाहर से देखने में बहुत चीज़ों प्रयोग भी करते हैं, उनमें कुछ लोग भयंकर आसक्त भी हो सकते हैं, कुछ लोग पूरी तरह से अनासक्त हो सकते हैं। वो तो जिसने अपने मन को जैसा बनाया, किसी के हम बाहरी नकल करके वैराग का काम नहीं कर सकते हैं, नकल काम नहीं करेगा इसका। अपने मन की स्थिति को देखना होगा, तभी होगा। हर समय सावधानी रहेगी पूरी की पूरी, तब काम होगा। श्री चरण, आराम से बैठो, सिर झुकाकर बैठ रहे हो, नींद आ रही तुमको, सीधा बैठो। जो भी जीवन मुक्त पुरुष होते हैं, कहीं के भी हो, वे शरीर और संसार में रहते हुए मानो नहीं होते हैं, छोड़े होते हैं। अपने शरीर के लिए भी मोह नहीं रह जाता है, व्यवस्था करना पड़ता है, मजबूरी है, लेकिन व्यवस्था और शरीर के निर्वाह लेते हुए भी मन ऊपर उठा हुआ होता है। जिस किसी को मन में संदेह है, पता नहीं मुक्ति होती भी है कि नहीं होती है, मन पता नहीं, लोग कहते भी हैं जीव होता है कि नहीं होता है, वो मुक्ति का काम नहीं कर सकता। कितने ऐसे संत हैं जो अपने को पारखी कहते हैं, सदगुरु कबीर के अनुयायी तो हैं ही, अपने को पारखी भी कहते हैं, पारख पर प्रवचन भी करते हैं,
लेकिन वो भी कहते हैं पता नहीं मुक्ति होती भी है कि नहीं होती है। प्रवचन तो करेंगे मुक्ति के बारे में, लेकिन अकेले में बात करो कहते हैं पता नहीं मुक्ति होती भी है नहीं होती, कौन देखा है, खाली कहने भर का तो नहीं है, ऐसा भी कहते हो। कुछ लोग कहते हैं कितने ऐसे भी पारखी संत हैं, तो कहते हैं अरे जीवो कुछ होता होता नहीं है, ये तो मान लिया गया है, अब अपने को पारखी कहते हैं तब क्या करोगे। तो सब में सब किस्म के लोग होते हैं। तो जिसी भी संदेह है अपनी साधना में, अब जो लोग मान लिए पता नहीं मर रुकेगा कि नहीं रुकेगा, ठहरेगा कि नहीं ठहरेगा, वो ध्यान क्या करेगा, साधना क्या करेगा, वो तो हमेशा दुख दुखी में बना रहेगा। तो जो जीवन मुक्त पुरुष होते हैं उनको अपने अस्तित्व के विषय में, साधना के विषय में, मोक्ष के विषय में किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं होता है। सब पर से वो निर्भ्रांत निर्भ्रम होते हैं और अपने आप को सब तरफ से वे छुटा हुआ समझते हैं। सब समय आग्रह रहित मन, यदि पूरी शांति चाहिए, पूरा कल्याण, पूरा मोक्ष चाहिए, तो आग्रह रहित मन, किसी के लिए आग्रह ना हो। व्यवहार में कहना पड़ता है, नहीं भी ये काम ऐसा है, कभी कभी ऐसा हो जाता है व्यवहार का काम दूसरे लोग नहीं समझ पाते, कहते नहीं ये काम ऐसा इसको करना ही पड़ेगा उस व्यवहार के लिए, लेकिन आग्रह मेरी ही बात मानी जाएगी, मेरे मन को अनुकूल कोई कुछ काम न करे, हमने एक आग्रह एक पकड़ बना ली है, वो आग्रह गलत। आग्रह रहित मन, और मन आग्रह रहित होगा तो राग और द्वेष से मुक्त भी होगा। जितनी हमारी आग्रह हो, जितना हमारा आग्रह होता है, आग्रह में पूर्वाग्रह भी होता है, हठाग्रह होता है, दुराग्रह होता है, अनेक प्रकार के हैं आग्रह, पकड़ है या हठ है तो गड़बड़ है, राग और द्वेष है तो गड़बड़ है ही, तो फिर कल्याण साधना का काम कहाँ हो रहा। राग द्वेष साहब ने कहा इसलिए कि राग द्वेष निर्वारे, राग द्वेष से निवृत्त होना यह हमारी साधना का परिणाम आता है। मन में कहीं कोई पकड़ नहीं, आग्रह मतलब पकड़, किसी चीज की पकड़ नहीं मन में, किसी के लिए राग द्वेष नहीं मन में, तो कौन सा क्लेश है, सब समय आनंद आनंद है। इस दशा को जीवन मुक्त दशा कहते हैं और इसी दशा को सदगुरु कबीर ने सब सुखों की प्राप्ति और सब दुख से निवृत्ति कहा है। दुखों की निवृत्ति सुख की प्राप्ति है, सब सुख मिल गया मतलब किसी प्रकार का कोई दुख नहीं रह गया, कोई दुख नहीं रह गया तो सब सुख हो गया। करो विचार जो सब दुख जाई, साहब ने जो कहा है, और जो तू चाहे मुझको छांट तकल की आज मुझसे ऐसा हो रहा सब सुख तेरे पास, ये सब सुख का मिल जाना, अनुभव होना, होना किसी बात को लेकर के मन में क्लेश ना होना, ये जीवन मुक्ति की पहचान है। इसी साधना में हमको कसना होगा अपने आप को, यदि सचमुच में जीवन को सफल कराना चाहते हैं तो। और जब तक मन सब पूरा निष्काम नहीं होगा, अनासक्त नहीं होगा, तब तक सब दुख छुटकारा नहीं होगा और सब सुख की प्राप्ति नहीं होगी। समय लगेगा, समय तो लगेगा, लेकिन अभ्यास अपने को करना होगा, धीरे धीरे करते 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 कोई फल देखो, बाहर भी देख लो कोई फल है, छोटा होता है, आम का फल ही है, छोटा खट्टा, धीरे धीरे करते 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 समय आने पर
वो बड़ा हो जाता है, पक जाता है, मीठा हो जाता है। ऐसे ही हमारा कच्चा मन है, यदि हम लगन पूर्वक लगे रहेंगे, उत्साह पूर्वक, तो ये धीरे धीरे मन जो खट्टा बना है, एकदम कच्चा है, वो पका भी हो जाएगा और मीठा भी होगा। काम करना पड़ेगा। श्री गुरुदयाल साहब कहते हैं, जैसे पूर्वी हवा चलने पर फल आदि फीके हो जाते हैं, स्वाभाविक है। जैसे गर्मी के दिन है, अब कोई लोग तमाम गर्मी के मौसम में जो फल होते हैं, खरबूजा, तरबूज आदि या अन्य फल, पूरी हवा चली निश्चित हो फीका हो जाना है, मीठा तो मिठास नहीं होगी। और जब तेज लू चलती है पश्चिमी हवा, तो वही फल मीठे हो जाते हैं। तो जैसे पूर्वी हवा चलने पर कितने प्रकार के फल फीके और हो जाते हैं, स्वाद भी उसमें कम हो जाता है, ऐसे ही जीव की बात है। यहाँ तो उसका अलग उदाहरण दिया गया है, जैसे पूर्वी हवा चली फल फीके हो गए, ऐसे ही जब पूर्ण वैराग्य हो गया, पूर्ण अनासक्ति हो गई, तब धीरे धीरे कर्म बंधन नष्ट हो जाते हैं। गुरु ज्ञान समझ में आया और ऐसी स्थिति बनी, तो धीरे धीरे कर्म बंधन फीके होते चले गए, टूटते चले गए, कमजोर होते चले गए। जब तक शरीर है तब तक कोई बिल्कुल निठल्ला होकर के नहीं बैठ सकता है, कुछ न कुछ तो करना ही पड़ता है सबको। लेकिन कर्म मात्र बंधन नहीं देते, कर्म किए जा रहे हैं, किस भावना से किए जा रहे हैं, कौन सा कर्म किया जा रहा है, कैसे किए जा रहे हैं, इस पर ही फल में अंतर होता है। श्री गुरुदास साहब ने कई परिचय में ही कहा है, एक कर्म है बोना, उपजे बीज बहुत, एक कर्म है भुनना, उगे ना अंकुर सूत। खेत को बीज में बो दो, खेत को बीज को, बीज को खेत में बो दो, बीज को खेत में बोना एक कर्म है, अनेक गुणा रूप में बीज उपस्थित हो जाएंगे। उसी बीज को आग में भूनना एक कर्म है, लेकिन अंकुर भी नहीं निकलेगा। इसी प्रकार राग पूर्वक कर्म करने से कर्मबंधन पुष्ट होते चले जाते हैं, और वही कर्म निष्काम भाव से करते जाने पर कोई बंधन नहीं देता है। तो राग पूर्वक कर्म करेंगे हमारे लिए बंधन बनेगा, अनासक्ति पूर्वक कर्म करेंगे कोई नहीं होगा। संसार में जितने भी संसारिक काम हैं, निश्चित है इससे लौकिक उन्नति होती है, निर्वाह में सुविधा होती है, फलमन। लेकिन संसार के जितने भी ज्ञान हैं, संसारिक ज्ञान, संसारिक सारे ज्ञानों का फल विनाश है। अंत में जो फल मिलेगा वो विनष्ट हो जाएगा, लेकिन अविनाशी आत्मा का ज्ञान, उस ज्ञान में स्थिति बोध, उसका विनाश नहीं होगा। उसके परिणाम में तो अनंत शांति की प्राप्ति होगी। पूरा कल्याण चाहिए तो सब समय जागृति की आवश्यकता है। हम जाग नहीं पाते हैं, सो जाते हैं, अब असावधान हो जाते हैं, इसीलिए गड़बड़ी होती है। लेकिन जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, सच्चे साधक संत, उनकी दशा हमसे भिन्न होती है। उनके लिए श्री रामप्रसाद साहब ने कहा है कि परखे रूप अवस्था जाए आन विचार न ताही समाए। उनके मन की सारी दशा परख में जाती है,
सभी अवस्थाएं पारख स्थिति के लिए होती है। आन विचार न चाहे समय उनके मन में अन्य दूसरे विचार नहीं आ पाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि मन में दूसरे विचार, दूसरे विचार से क्या है, संसारी विचार, वासनात्मक विचार। संसारी विचार में सब आ जाएगा, चाहे गुरुवाई हो, महंती हो, पूजा हो, प्रतिष्ठा हो, काम भोग हो, रुपया पैसा हो, सब संसारी विचार में आ जाते हैं। ये विचार मन में ना आए, ये साधना का फल है। जब भी दुख से छुटकारा चाहिए तो यही विचार में मन लगाना होगा, और कोई रास्ता है नहीं। पाना कहाँ है, कुछ पाना थोड़े हैं। संसारी विचार मन में नहीं है, कौन दुख है आप? संसारी विचार मन में नहीं है, हर समय परख में स्थित है मन, जहाँ बैठे हुए हैं वहीं पर कल्याण है, वहीं पर मुक्ति है। अमुक जगह मुक्ति मिलेगी धोखा है, मुक्ति कहीं भी रह करके मिल सकती है, कभी भी प्राप्त की जा सकती है। संसारी भाव मन में नहीं है, और परख में मन समाया हुआ है, आत्मज्ञान में मन डूबा हुआ है, मुक्ति है उस समय। तो कुछ पाना नहीं है, साहब ने भी कहा, श्री रामदास साहब ने, कि प्राप्त जीव इच्छा नहीं, केवल हंस छोड़ा निस्वरूप लिख दया जिन जाने अपना। जीव को कुछ प्राप्त नहीं करना है, वो प्राप्त है, प्राप्त करने की इच्छा भी नहीं करना है, केवल अहंकार छुड़ा देना है। अहंकार ही बाधा है, क्योंकि जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं वो तो नित्य प्राप्त ही है, अपना आपस अस्तित्व ही है। इच्छा होती है इसलिए हम बाहर भटक जाते हैं, अपने से दूर हो जाते हैं। साहब कहते हैं केवल इच्छाओं का अंत कर दो, अहंता ममता लगी है उनको छोड़ दो, बस। अन्य जो जीव हैं, अन्य मनुष्य, उनको अपने समान सजाती जान करके कल्याण का रास्ता बता दो, बस। ये मोक्ष का काम ऐसा नहीं है कि एक बार कर लो तो अब चाहे जैसा रहो, हर समय साधन रहना पड़ता, हर समय साधन रहना पड़ता है। जैसे किसी ने बड़ी मेहनत करके पैसा कमाया, कमा तो लिया लेकिन असावधान हो गया तो पैसे को लूटने वाले बहुत लोग तैयार बैठे हैं, उस पैसे की रखवाली करनी पड़ती बड़ी मेहनत के साथ। ऐसे ही यदि ज्ञान, भक्ति, विवेक, वैराग, संयम, साधना, ये सब करते करते मानो मन मुक्त हो गया, मुक्त होने मतलब निर्मल, निर्विकार हो गया, शांत स्वस्थ हो गया, तब इसके पश्चात इस दशा की रक्षा के लिए सावधान रहना पड़ेगा। कभी भी भटकाव की स्थिति आ सकती है, इसलिए श्री पूरन साहब कहते हैं सदा विचार करो मेरे भाई, जौलो देह बिखरी नहीं जाई। जब तक ये शरीर छूट नहीं जाता है, शरीर का अंत नहीं हो जाता है, तब तक तुम सदैव विचार करते रहो। सदैव विचार करने का अर्थ क्या है? मन पर निगरानी करते रहना, मन को शोधते रहना, शोधते रहना, शोधते रहना, हर समय परख भाव में स्थित रहना। तो आप कहते हैं इसलिए पारख ऊपर थिर हुए रहना, सगत परखना ना कसुगाना, परखते जा, परखते जा, भ्रम आएगा। पूर्व के संस्कार हैं, अनादिकालीन मन में बैठे हैं, बाहर के वातावरण है, नर नारियों की संगति है, इस सबसे कब मन में विकार आ जाए, कब मन हमारा भटक जाए,
कैसे हम कह सकते हैं? अब तो हमारा मन स्वस्थ हो गया है, हमारी साधना पूरी हो गई, हम चाहे जैसे रहें चाहे जैसे कर लें, ये भाव आना ही पतन का रास्ता है। शुरुआत है कहना चाहिए पतन की। तो सब समय सावधान, पारक ऊपर थिर होने, पारक ऊपर थिर होने का अर्थ कोई पारक ऐसी जगह थोड़े बस वहां जाकर कूद करके बैठ जाओ। पारक पर थिर हुए रहने का अर्थ है सब समय परखते रहना, अपने स्वरूप भाव को बना रख करके सब समय उसकी रक्षा करते रहना, सब समय मन को परखते रहना, परखते रहना, परखते रहना। साहब कहते हैं केवल दृष्टा बन करके रह जाना है, दृश्यों को देखते जाओ, देखते जाओ, सकल परखना ना कछु गना, था सबको परखो लेकिन पकड़ो किसी को भी मत। ये पकड़ना, पकड़ने की आदत है हमारी, हर समय पकड़ते ही आए हैं, तो छोड़ने में बड़ी कठिनाई होती है। पकड़ने में आदत, बाहर से नहीं पकड़ोगे, मुट्ठी से नहीं पकड़ोगे, तो मन से पकड़ना है। अब मुट्ठी से पकड़ने के अपेक्षा मन से पकड़ना ज्यादा खतरनाक होता है। मुट्ठी की पकड़ तो छूट जाती है, ये मन की पकड़ समझ में भी नहीं आता कि हाँ कि हमने कुछ पकड़ा है, इसलिए मन की पकड़ को छोड़ना कठिन है। साहब कहते हैं सकल परखना न कछु गहना, केवल परखते जाओ, परखते जाओ, ग्रहण नहीं करना है, छोड़ते जाना है, छोड़ते जाना है, दृष्टा बन जाना है। जिस शक्ति से हम परखते हैं वो शक्ति हमारी तो ही है। कौन है जो सबको परख रहा है? वो तो मैं ही हूं, उसे उसे पाना तो थोड़े हैं, हमारा स्वरूप ही पारक है, बस सब समय पारक का उपयोग करना है, उसी में स्थित होना है, कहीं भ्रम कल्पना में पढ़ करके भटकना नहीं है। श्री पूरन साहब समाधिनिष्ठ पुरुष, दृढ़ वैराग्यवान, भले 32 साल की उम्र में उनका शरीर शांत हो गया, लेकिन तब तक उन्होंने अपना पूरा काम कर लिया था। क्योंकि ओज था उनमें, समर्पित थे वो कहते भी इसलिए हंस समाधि एक ही सदा निरंतर हो, जाते जो बिजली नहीं ले हो पर पस हो। हंस और समाधि, हंस जीव, समाधि स्थिति। ठाकुर कहते हैं चेतन हंस समाधि में सदैव तद्गत रहत, समाधि में लीन एक बद, अर्थात सब समय अपने मन के संकल्पों का त्याग कर करके रहना, अब बिहार में ना सकता रहना। साहब कहते इससे विचलित मत हो, काम जो करना है करो, जिम्मेदारी पूरी निभाओ, ये समझना होगा। चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, जो अपनी जिम्मेदारी से भागेगा वो साधक नहीं हो सकता, वो साधना नहीं कर सकता, कल्याण का काम नहीं कर सकता। जहाँ जो जिम्मेदारी दी गई है उसको पूरा पूरा निभाना पड़ेगा, लेकिन निभाते हुए करते हुए मन को ऊपर उठाना पड़ेगा, ये तो साधना कसौटी है। अरे हम ये काम नहीं करेंगे, ये काम करने के लिए हम साधु नहीं हुए, हमारी ये जिम्मेदारी नहीं है, तुम्हारा मन ही भटका हुआ है, मुक्त क्या होगे? हर समय तो काम करना नहीं पड़ता है, हम तो इतना काम करेंगे, गृहस्थों में भी होते हैं कितने लोग, रहेंगे घर में सुविधा पूरा लेंगे, लेकिन कहते नहीं हम ये काम नहीं कर पाएंगे, बैठे हैं, बैठना मुक्ति नहीं है। और जितने भी वैराग्यवान संत हुए हैं सबको देख लो, जीवन भर कर्मठ रहे बिहारी क्षेत्र में,
लेकिन मन ऊपर उठा हुआ। तो व्यवहार तो जब तक शरीर तब तक है, जब खाना बंधन नहीं दे सकता, लोगों से मिलना जुलना बंधन नहीं दे सकता, तो काम करना बंधन क्यों दे देगा? तो जहां जैसी जिम्मेदारी है उसको जो ईमानदारी पूर्वक नहीं निभाएगा उस साधक हो ही नहीं सकता, पक्की बात है, चाहे कहीं का भी। लेकिन जिम्मेदारी करते 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 उसी में डूब जाना, अपने को अलग ना करना, ये और पतन का रास्ता होता है। फिर घर के लिए जिम्मेदारी, आश्रम जिम्मेदारी, संगीत साधन के लिए जिम्मेदारी, वो तो निभाओ, लेकिन खुद के लिए जिम्मेदारी वो भी तो है ना। सबसे पहले जिम्मेदारी हमारे हमें अपने लिए है। तो बाहर की जैसी जिम्मेदारी है वैसे कल्याण की जिम्मेदारी भी हमारे लिए है। तो जिम्मेदारी का निर्वाह करना अलग बात है, और उसमें डूब जाना वो अलग है। डूबना, आसक्त हो जाना, ये बंधन का कारण है। जिम्मेदारी निभाना, काम करना बंधन का कारण नहीं है। तो त्रिपुरन साहब कहते हैं जो साधक होते हैं सचमुच में, जिसका मन साधना में लगा हुआ है या जो अपना कल्याण का काम करता है, समय समय से साधना में बैठ करके अपने मन को पूरी तरह से शांत करना है, और जब व्यवहार करता है तब व्यवहार को भी व्यवहार से ही करते हैं, डूब करके करता है, लेकिन मन में विकार नहीं बनाता। कोई विकार आया, किसी भी प्रकार का विकार आया, लोभ आया, शोभ आया, मोह आया, अमर्थ आया, ये हमारी कमजोरी है। व्यवहार करते हुए मन में विकार ना आना, और फिर इससे विचलित ना होना। साहब विचलित होने का अर्थ क्या है? साधना करने के लिए बैठे ध्यान के लिए, मन भटक रहा है तो विचलित हो गए। व्यवहार का काम कर रहे हैं, मन में शोभ आ गया, अमर्थ आ गया, द्वेष आ गया, राग आ गया, दुखी हो गया मन, तो विचलित हो गए। तो साधना करते करते समय अब जब अभ्यास के लिए बैठे तो ऐसी स्थिति आ जाना कि मन में कोई विचार न रहे, अब व्यवहार करते करते मन में कोई विकार न रहे। साहब कहते हैं लेहु परक पद सोए, वही परक पद की प्राप्ति है, वो जीवन मुक्ति दशा है, जीती जी मोक्ष का अनुभव है। इसी के लिए हमको काम करना है, ये हमारे अनुभव में आ सकता है धीरे धीरे, सही धीरे, उसी में थोड़ा थोड़ा करते 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 मन को मानते तो चले, लगे रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, कौन हमारे बारे में क्या कहता है इसका कोई मतलब नहीं होता है, हमारा मन कैसा है। और हम ये तो कहें हमारा मन तो एकदम शांत रहता है, और जब देखो तब चेहरा चेहरा मुरझाया हुआ है, वो शांति का लक्षण नहीं है, अशांति का लक्षण है। मन शांत रहेगा तो नुकसान हो करके भी मन में प्रसन्नता रहेगी। मुरझाया चेहरा, थोड़ा सा नुकसान हो गया, दुखी हो गए, कहाँ मन शांत है, तो हानि लाभ तो लगा ही रहेगा जिंदगी भर, इससे कौन बचा है? संयोग वियोग से, हानि लाभ से, अपमान सम्मान से, अनुकूलता प्रतिकूल से कौन बचा है? ये सब जिंद आए हैं और आते रहेंगे, अरे भी समझना होगा। व्यवहार में जिसके पास जितनी अधिक जिम्मेदारी होगी उसको उतना ज़्यादा सम्मान मिलेगा, उतना ज़्यादा अपमान मिलेगा, उसको उतना लाभ होगा, उससे उसे घाटा होगा। लेकिन इनको सहते हुए मन में दुख ना होना, और मन में दुख नहीं होगा तो चेहरा क्यों लटका हुआ मुरझाया हुआ होगा, उसे प्रसन्नता रहेगी रहेगी। हम सबको इसी कसौटी में अपने आप को कसना है। आज इतना ही हुआ, बाकी कल पूरा।